रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भविष्यवाणी हुई सच, दिल्ली NCR में तूफान शुरू। बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने पहले से ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज तूफान और बारिश आने के हाई अलर्ट जारी किए हुए थे। हरियाणा के कुछ जिलों व पंजाब के बाद अब दिल्ली में भी लगभग 4 बजे तेज हवाएं शुरू हो गई और उसके बाद अचानक आसमान में घने काले बादल मंडराने लगे। आंधी के कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कल सोमवार को भी तेज आंधी और तूफान आने की संभावना बताई गई है। कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और तूफान से चलते बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें राजस्थान के जिला बीकानेर का नाम सबसे पहले आता है। कई राज्यों में तेज बारिश के साथ ओले भी आए हैं। मौसम रिपोर्ट्स के अनुसार आए वाले तूफान के कुछ समय पहले ही अलर्ट जारी किए गए हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में स्कूलों को बंद रखा गया है। तूफान के साथ कुछ समय पहले कई राज्यों में हल्के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। सूत्रों के माने तो प्रकृति के साथ पिछले काफी सालों में हुए मानवीय छेड़ छाड़ के कारण इस तरह की आपदाएं अधिक घटित हो रही हैं। अधिक वृक्षों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना भी इन प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारणों में से एक है। अगर इसी तरह से मानव हमारी पृथ्वी के साथ खिलवाड़ करता रहा तो बहुत जल्दी हमें किसी बड़ी आपदा से भी गुजरना पड़ सकता है।